स्पेशल है, बस मैं तुम्हें बताना नहीं चाहता, आज मेरी डेट है भाई। देखो भाई लाइट। गुड मॉर्निंग, क्या आप बाकी सारे भाइयों ने, तो कैसे हो सभी भाई लोग, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। कैसे हो कैसे हो? आज भाइयों दूसरा दिन है और हमारे रोनू भाई की तबीयत खराब हो चुकी है। भाइयों रोनू भाई तबीयत ज्यादा खराब है क्या? सीरियस हो रहे हो क्या भाई? सीरियस है भाई, प्लीज हेल्प हिम भाई, रोनू भाई की हेल्प कर दो भाई। मैं भी कह रहा हूँ, जोलो चिप्स के बाद ऐसा हाल हो गया है। इन्होंने पता है क्या करा भाई, तुम मानोगे नहीं इन्होंने क्या करा। रात कल का व्लॉग तो देखा है तुमने, कल भी ऐसी, कल तो बिल्कुल खुशहाल थे, उसके बाद इन्होंने भाई गोली खा ली पेट साफ करने की। उसके बाद इन्होंने कल से अब तक रात से, ओहो भाई क्या ही इन्होंने क्या ही मजा ढा रखा है रोनू भाई है। फुल गोली बारी ऐसी बजा रखी है रोनू भाई ने, सारे सपने। चार गोली खा ली रोनू भाई ने, चार गोली के बाद औकात से बाहर होते हुए रोनू भाई, देखो जरा इन्हें पकड़ो कैसे ना कैसे करके। और भाई आज का दिन जो मेरे लिए है ना बहुत ही ज्यादा स्पेशल है, बस मैं तुम्हें बताना नहीं चाहता, आज मेरी डेट है। वैसी डेट मत समझना भाई, अब से 3-4 साल पहले की बात थी भाई, बहुत बुरा हुआ था भाई, पूरी रात नींद नहीं आई मुझे, 1.5 महीने तक सोया नहीं था भाई। मैं सही बता रहा हूँ भाई, हवाबाजी में बताया ना किसी की, अपना घर पे रहो, माँ बाप का ध्यान रखो भाई, कमाओ खाओ कुछ नहीं धरा इन चीजों में, सही बता रहा हूँ मैं तुम्हें भाई। भाई 4 साल से परेशान है तारीखों पे जा जाके। हाँ भाई, भाई बहुत परेशान हूँ तुम्हारी कसम। अरे ए बात पता क्या, ऐसे स्कूल में भी नहीं जाना पड़ता जैसे वहां जाना पड़ा है भाई, एकदम सही से हो गया भाई, समझ रहे हो? तो भाई अपना, मैं तुम्हें सही बता रहा हूँ, अपना भाई घर में रहो, मजे लो, ठीक है, जिंदगी जियो, काचे काटो, अपना दूध दही मट्ठा घी खाओ, फुल खाओ पियो, मोल लो भाई, रोज लो, ठीक है, ना मिले तो खोज लो। लेकिन हवाबाजी बड़ी स्थिति खराब हो जाएगी भाई, मत पढ़ना, ठीक है। अब जरा हमारे 2-3 फ्रेंड और आ रहे हैं, 4-5 पहुंच गए हैं, अभी रुक जाओ, अब हम जा रहे हैं जरा, ठीक है जी। अब भाई मैं भी सोच रहा हूँ सौरभ जोशी बन जाऊँ, अब पता है कैसे, अब ये गाड़ी कैसे निकलेगी, मैं ना बाहर सड़क पे नहीं जाता क्योंकि ना मम्मी कहती है बेटा सड़क पार करेगा कैसे तू, ठीक है। मैं भाई बाहर सड़क पे, वो थोड़ा सा दूर है भाई। गुड मॉर्निंग मम्मी, गुड मॉर्निंग दादी, हाँ गुड मॉर्निंग कह रही है भाई, कह रही है तुम्हारी कसम मैं सौरभ जोशी बनने वाला हूँ, अपना पूरा घर का। मम्मी पानी गर्म कर रही हो? हाँ हाँ ठीक है भाई, चलो कोई दिक्कत नहीं भाई। अब हम, मैं बनना चाहता हूँ सौरभ जोशी, ओनली ऑन भाई, एलविश यादव नहीं बनना, कुछ नहीं बनना, तो खैर मैं कुछ नहीं चाहता था, अपना अपना रोल है। लेकिन एलविश भाई के हम मतलब एक बढ़िया थे जिनके व्लॉग देखते थे भाई हम, वो भी रोनू भाई ने, मतलब देखते तो हम पहले सारे, लेकिन रोनू भाई कुछ ज्यादा ही फैन थे एलविश भाई के। उसके बाद जब मैं सौरभ जोशी के दिन रात देखते रहता ना वो शॉर्ट्स, तुम्हारी कसम इतना दिमाग खराब होता है, ये अर्टिगा खड़ी है ना, ओ अब कितना हार्ड टास्क है, इसे निकालेंगे कैसे हम, मैं चूचे जगह पड़ी है, निकाल ले पीछे। हाँ यार मैं भाई, बहुत खतरनाक चीज है वो, बहुत ही खतरनाक चीज है तुम्हारी कसम। सौरभ जोशी चश्मा पहन ले, ऐसा लूल सा बंदा फिरा रहे है, पता ना भाई कैसे है वो, नंबर 1 ब्लॉगर दिखे है वो, और कोई दिक्कत, हाँ कोई दिक्कत नहीं, हम भी नंबर 1 बन जाएंगे ऐसी किसी दिन, ठीक है, टेंशन ना लो। मेरठ के तो है ही हम भाई, अपने मेरठ के नंबर 1 ब्लॉगर हैं हम, चाहे पूछ लो अपने हमारे भाइयों से, किसी से ही पूछ लो, क्यों रोनू भाई, जो बात है। हाँ भाई नंबर 1 ब्लॉगर है भाई, जो बात है। देखो भाई फ्रेंड आ गए मेरे, चले भाई। तो भाई बड़े दिनों से हमारा मामा कह रहा था कि तूने मेरे कैफे का ना व्लॉग नहीं बनाया, तो भाई आज मैं सोच रहा हूँ कि भाई कैफे का व्लॉग बना दूँ। आ गया हूँ भाई मैं कैफे में। हाँ बेटे सैनिक, तो भाइयों देखो अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ, ये हमारा छोटा लाडला प्यारा भाई है, ठीक है, सैनिक नाम है इसका, सैनिक नाम, क्या नाम बता, सैनिक भाई, ठीक है भाइयों। चलो मैं दिखाता हूँ तुम्हें भाइयों कैफे, दिखा देता हूँ, ठीक है भाई। चलो आप बड़ा प्यारा बना हुआ भाई, आना विजिट करना एक बार भाई मेरठ में शास्त्री नगर, ठीक है, शुरुआत भाई, ठीक है। ये पहला रूम है भाई, मतलब ऐसे रूम नहीं है, मतलब समझ रहे हो ना, देखो ठीक है, पहला भाई, दूसरा यहाँ पे है, मतलब 3 रूम दे रखे हैं भाई, सबके मतलब डिजाइन अलग अलग हैं, ठीक है भाई। लेकिन स्मोकिंग वगैरह ये सब चीज़ कुछ नहीं है भाई, ऐसा कुछ, ठीक है। तीसरा ये रहा भाई, ठीक है, देखो भाई
मतलब फोटो के लिए बना रखा भाई इन्होंने, बाकायदा ये सीटिंग है, ये सीटिंग है भाई, ये सीटिंग दे रखी है भाई, ये यहाँ पे झूले डाल रखे है भाई, हम तो झूलते हैं लोंडिया वोंडिया झूलते भाई। ठीक है ये डांस फ्लोर, डांस फ्लोर देखो भाई, देखो भाई लाइट लगो भाई, बहुत तारीफ करता रहा अपनी लाइट की दिखा दूँ, ये जी ये भाई, ये डीजे प्ले करते हैं भाई हमारे भाई जो है। ठीक है अंदर किचन है, ये क्या कहते हैं रिसेप्शन, मतलब इस तरह से मतलब टेबल है बस, क्या कहते हैं बाहर सा ऐसे ही बना हुआ है। ठीक है तो भाइयों आ सकते हो आप, विजिट करो, बड़ा प्यारा बना हुआ भाई। ठीक है तो भाइयों तो आपने देख तो लिया ही होगा, ये भाई पबजी लवर है भाई, ये जो उन्होंने ना यहाँ का, ये मामा हमारा पबजी लवर है, ये दे दी सब भाई, हम ही हैं बस खाली, करण भाई भी थे यहाँ चले गए। आना भाई यश व्लॉग का नाम ले देना तुम, ठीक है भाइयों तुम्हें ऑफ मिल जाएगा। ठीक है भाइयों जरूर आना भाई, आके एक बार विजिट जरूर करो, सारे भाइयों जो भी हैं सब आओ भाई, पार्टी वगैरह के लिए सब आप वो कर सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका वो डाल दूंगा नंबर, आप आओ सारे भाई अपने यहाँ पे। देखो भाई कूपन कोड करना भाई यश व्लॉग के नाम से, ठीक है भाई हो, जय बाबा की। बड़े बड़े आदमी भी मिल सकते हैं तुम्हें भाई हो, ठीक है सारे बड़े बड़े आदमी मिल सकते हैं इस कैफे में, बहुत ही कम आते हैं, बहुत रेयर आते हैं। ठीक है भाई हो, मैंने ब्लॉग बना दिया पूरा सईम भाई, ये उस ब्लॉग में ऐड होगा। अरे कुछ नहीं है ले उठाया, बता दो कुछ कहना चाहते हो कैफे के बारे में, कैफे कैफे कैसा भाई हो, आओ यश व्लॉग्स का नाम लेना भाई, 50% डिस्काउंट, 50 तो खैर ज्यादा हो गया लेकिन नहीं, 50 दे देंगे भाई, चलो भाई जैसा होगा देखेंगे। और भाई टर्किश आइसक्रीम भी आओ ऑर्डर करो, यश व्लॉग्स का नाम लेना भाई, 50%। तो भाई आपने सुन तो लिया होगा सईम भाई का, मैं ये कह रहा हूँ टर्किश आइसक्रीम भी नीचे आ रही है ना मामा, आ रही है ना टर्किश वाले भाई नीचे आ रहे हैं अपने कॉम्प्लेक्स में। ठीक है भाई आओ भाई विजिट करो, टर्किश आइसक्रीम के ही मजे लो तुम भाई, लखनऊ नहीं जाना पड़ेगा तुम्हें हमारी तरह। ठीक है भाई तुम मेरठ में ही खाओगे अपना, नौचंदी में लगे थी कभी लेकिन अब मेरठ में ही अपना सेंटर मार्केट में लगेगी, आ जाओ भाई, जय बाप भाई, अरे आ जाना, दोनों की शर्ट लग गई भाई। यो है AR से मतलब M4 से, अब देखते कौन जीता होगा, आ जाओ चल बेटे चलो बैठ जाते हैं भाई, तेरी बहन की चीज देख लो भाई गालियां भी काम नहीं आ रही है, देख लो भाई बच गया गालियां, एग्जिट कर रहा एग्जिट कर दिया देखो भाई ये है एंट्री रूटर्स कैफे की भाई, मेन चौपले पे है अपना फुल। ठीक है यहाँ से अंदर जाके ऊपर मैंने आपको दिखाई दिया।